वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आज हम जा रहे हैं मम्मी की चप्पल लेने, और चप्पल होती है दो तरीके की। पहली जो पहनने के काम आती है, और दूसरी चप्पल। की गल है, हर गल ते मारते रहते हो, इस काम आती है। रॉकेट सिंह बैक, तैयार त्यूर होके निष्कारे मार के अभी तैयार हो गए हैं। चले मम्मी चलो। आइए। तो मम्मी कह रही है कि गर्ल सुनो, ये बड़ा चलता है और तुम्हारे घर पे चलता था, बताना। गर्ल सुनो, ये बचपन से मैं सुनता रहा, मुझे ना पहले शुरू शुरू लगता था, अब का नाम गर्ल सुनो। मैं गर्ल सुनो जोर से मम्मी आवाज मारती थी, गर्ल सुनो। तो मम्मी पापा कह रही है कि गर्ल सुनो, तुसी आज मैनू एक चप्पल ला दोगे, बस सिर्फ एक चप्पल, नॉट अ पेयर ऑफ चप्पल, सिर्फ एक चप्पल। फिर पापा आपने क्या कहा? मैंने क्या कहा? मैंने एक चप्पल, मम्मी कहती तेरी एक चप्पल मिलेगी नहीं, वो तो पेयर मिलेगा पूरा। मैंने कोई नहीं, मिल जाएगी चप्पल, क्यों नहीं मिलेगी, कुड़ी छेड़ देंगे वो चप्पल मारेगी, एक चप्पल मिल जाएगी। मम्मी फिर आपने क्या कहा था? लोकी की कहन के पापा कुछ काम था तो हम आ गए ऑफिस। यहाँ पे ना मैंने एक ब्रीफकेस देखा, जो वो पुराने जमाने का होता था ना, उस ब्रीफकेस से मेरे को एक चीज याद आ गई, हमारे घर में भी होता था ऐसा, लगता था सारी जायदाद LIC उसमें ही पड़ी है। मतलब वो बैग इतना होता, बैग वो सस्ता सा था, बट मम्मी जो उस बैग के अंदर सामान होता था ना, वो करोड़ों का होता था। आज ना मम्मी व्लॉग में बहुत बोलेगी, बहुत, क्योंकि अभी भी मम्मी को पंप मिला है। एक पाजी सानू बंगला साहब गुरुद्वारे च मिले, कीरत पाजी। ते मम्मी तुहानू की कहा उन्होंने? फिर भी मम्मी कहती ना ना ए ना पाई, मैं सोनी नहीं लगी। तू पहले ये तो बोलना चप्पल कहां से लेनी है। अच्छा नहीं, आपने बोल दिया। नहीं नहीं, आप भी बताओ। अच्छा मम्मी चप्पल कहाँ से लेनी है? ये तो अब तुम्हारे ऊपर ही है ना, कहाँ से, चाहे किसी को छेड़ के दिलवा दो, चाहे किसी शॉप से दिलवा दो, या गुरुद्वार से दिलवा दो। ये तो तुम्हारे ऊपर है। अब मेरे को भी ला दो यार जूते पापा। तेरे को तो वैसे ही मिल जाए, दो मर्जी खड़ा हो जाता है, तो जूते जूते मिल जाने हैं। एक चीज तो है भाई साहब, अब मैंने कहा मेरे को जूते ले दो, मैंने कहा नहीं। मम्मी कहती नहीं, क्यों, तेरे को लेके दिए, तेरा छोटा भाई भी मांगेगा। अब इसमें भी मेरी गलती है कि मेरा छोटा भाई है, वो भी जूते मांगेगा। नहीं, पुराने टाइम पे जब 5-5, 6-6, 10-10 बच्चे होते थे ऐसे, तो वो शॉपिंग करते ही नहीं होंगे, अपने बच्चों की खर्चा बड़ा हो जाना है। एक को दिलाया तो 10 को और दिलाना पड़ेगा, यहाँ तो 2 ही है। फिर भी बड़े भाई ने ले लिया, ले लिया, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था आगे, वो छोटे को उससे छोटे को उससे छोटे को ऐसे चलता था काम। सही सही बात, ये नहीं है एक को दिला दिया फिर तो ठीक है, बड़े को दिला दो, छोटे मेरे डाल लेगा कपड़े। बुढ़ियों के साथ ना मैंने एक सीन देखा है, एक दुकान से पसंद भी आ जाए ना, फिर भी नहीं लेंगी, कहेंगी हले मैं 3-4 दुकाना होर वेख ला फिर जाके लवांगी, चाहे पसंद पूरी आ गई हो, क्योंकि भैया अभी साइड रख लो, अभी आके लेती हूँ, 3-4 दुकानें और देखा हूँ। लेनी तो ले पासे कर, टाइम खराब कर रही है, पसंद भी आ गई, कहानियां गई जा रही है। तू क्या कह रहा है? उन्हें की कहना, चप्पल तैं लेनी, उन्हें लेनी है। चलो लो। मैं तो कह रहा हूँ कुड़ी नु छेड़ देना, तो उन्हें फ्री च मिल जाएगी चप्पल। आप जाओ, पहले आपने बोला था ना कि मैं छेड़ूंगा, जाओ, आपका तो ब्याह हुआ है, मेरा ब्याह नहीं होगा, ऐसे मेरे पे केस लग जाएगा, तू कुड़ी छेड़। सब छोड़ो, खुश हो बाप, चप्पल मिल गई आपको बिना लड़की छेड़े? मैं वैसे खुश हूँ बेटा, वैसे खुश है। चप्पल मिल गई है, चप्पल मिल गई है बिना छेड़े हुए, प्यो ने बिना जुतियां पाए, मिल गई चप्पल, और की चाहिए। तो यहाँ पे चल रही है फोटो की एडिटिंग, ये देखो भाई साहब, पहले फोटो ऐसी थी, अब ऐसे हो गई है, तो ये तो वही हो गया ना, जैसे फेयरनेस क्रीम होती है, फेयरनेस क्रीम लगाओ और गोरे हो जाओ। तो मैंने कहा अपनी भी थोड़ी सी प्रमोशन कर देते, हमने भी एक छोटा सा नया पेज खोला है शाहजी फिल्म्स के नाम से। तो अब हम फ्रीलांसिंग वर्क काम करते हैं, जब तुसी कोई फोटोशूट कराना है या वीडियो बनवानी है तो वो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, यहाँ पे आ रहा हुआ हैंडल है ना, सानू याद कर लेना जे थोड़ा कोई छोटा मोटा काम होया, तो है ना, तो आपां तुहानू निखार ला लेंगे थोड़ी फोटो वीडियो
और दूसरी चप्पल कल पैक हो गए। वाह मम्मी वाह। और दूसरी चप्पल पहुंचा दो लो चप्पल है। चप्पल नहीं पहुंचा वाले। और दूसरी चप्पल कल पैक हो गए यार मम्मी यार। दूसरी चप्पल दूसरी चप्पल पीछे नहीं मारनी आगे मारने चाहती थी। हाँ जी, तो चर्चा विद शाह जी मैं आपका स्वागत है। वैसे मैं चाय पीता नहीं बट मैंने कहा चर्चा विदाउट चाय इनकम्प्लीट लगेगी, तो चाय बना लो ताकि कंप्लीट हो जाए। तो आज की बात शुरू करने से पहले मैं आज के ब्लॉग के कमेंट का विनर बता दूं। आज के ब्लॉग के कमेंट का विनर है दिव्यांशी नरुला। उनका कमेंट यहाँ पे आ रहा होगा, तो थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट। तो मैं इनके कमेंट से ही रिलेटेड एक बात करना चाहता हूँ। इन्होंने लिखा कि नाउ यू आर डूइंग हार्ड वर्क बट आपके वो व्यूज़ नहीं आ रहे क्योंकि आपने कंट्री चेंज करी है, बट वी आर लविंग योर वर्क। तो मैं इससे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरे को भी पता है अभी व्यूज़ नहीं आ रहे बट हार नहीं मानी, कीप ऑन गोइंग। मैंने अपने लैपटॉप का भी ना वॉलपेपर ये लगा हुआ है, कीप ऑन गोइंग, कभी हार नहीं माननी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। छोटा बच्चा होता ना, वो चलने की कोशिश करता ना तो 100 बार गिरता है, उसकी आंखों में से आंसू भी निकलते हैं, चोट भी लगती है, और वो 100 चीज़ें सीखता भी है, फिर एट द एंड वो चलना सीख जाता है। तो इसी को अपनी लाइफ में आप अडेप्ट करो। 100 बार गिरोगे बट जीतेगा कौन? जो दोबारा उठेगा। वो बच्चा कब चलना सीखता है? अगर वो यही सोचे ना कि यार मैं अब गिर गया, अब नहीं उठ के चलूँगा क्योंकि मुझे चोट लगी, बट वो फिर दोबारा उठता है, फिर चलता है। तो आप भी अपनी लाइफ में ऐसी मोटिवेशन लाओ कि यार कोई नहीं, गिरेंगे दोबारा उठेंगे, दोबारा चलना सीखेंगे। वैसे ये कईयों को बोरिंग लगी होगी बात सम, बट समटाइम्स गिविंग अ मोटिवेशन इज ऑल्सो नेसेसरी। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैं आज एनालिटिक्स चेक कर रहा था। इफ़ यू आर लाइकिंग माई व्लॉग ना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि 65% ऑफ पीपल वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ चैनल। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन दबा दो। आपका एक सब्सक्राइब बटन दबाना ना मुझे पता नहीं कितनी खुशियाँ देगा, और मैं अगले व्लॉग को बनाने के लिए उतना मोटिवेट होऊंगा। सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। तो ये नाल ही आप करते हैं व्लॉग नो एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग च। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू। चाह पीला मैं ठंडी हो जाए।